नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में और मैं आपके साथ रूपाली। दर्शकों, आज हम इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं वेरिकोज वेन्स के बारे में। वेरिकोज वेन्स क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसको नेचुरोपैथी के माध्यम से किस तरह ठीक किया जा सकता है और साथ ही योगा और मेडिटेशन इसमें कितना लाभदायक है, ये जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जानकारी देने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सत्या, जो कि एक होलिस्टिक गुरु हैं। तो चलिए सर का स्वागत करते हैं। सर, बहुत स्वागत करूँगी कार्यक्रम में। नमस्कार जी। नमस्कार सर। जैसे आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं वेरिकोज वेन्स के बारे में, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि ये क्या है और इसको आम भाषा में कैसे समझा जाए। जैसे हमारा शरीर जो है, हमारी बॉडी कैसे बनती है, अगर आप देखेंगे हड्डियां हैं, बोन्स, मसल्स, फैट, एनर्जी, ब्लड, ये अगर और वेस्ट मटेरियल मोस्टली, और पानी, अगर लास्ट में देखें 70% तो हमारी बॉडी में पानी ही है। ये हमारी बॉडी इन चीज़ों से बनी होती है। अब कुछ भी आप चाहे कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि अनाज, गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, प्रोटीन्स यानी कि दालें हैं, दूध है, नट्स हैं, या फिर फैट, ऑयल, घी, पानी, मिनरल्स, विटामिन्स, फ्रूट्स, सैलेड, ये जब खाते हैं आप, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई ये बनती हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। इनमें एक पार्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको बोलते हैं ब्लड, जो एक सर्कुलेटरी सिस्टम, अलग अलग बॉडी में सिस्टम है, जैसे पाचन तंत्र है, जैसे श्वास का तंत्र है, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अलग अलग सारे बॉडी के अंदर सिस्टम काम करते हैं आपस में मिलके। अब क्या है, एक सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जो घूमता रहता है, वो उसको क्या बोलते हैं, ब्लड का सिस्टम। तो पूरी बॉडी में ब्लड हमारा घूमता रहता है, यानी कि पैर की छोटी उंगली से लेके सपने सिर तक हर जगह ब्लड जाता है, और वो जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट का मेन काम करता है। आपकी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं या इम्यून सेल्स हैं या कोई भी मटेरियल है, अगर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है तो वो ब्लड ही लेकर जा सकता है, ये ब्लड का काम है। अब क्या होता है, ब्लड कहाँ जो है ना कैसे लेके जाता है, उसके लिए ब्लड की जो है वेसल, ब्लड वेसल्स, या आप साधारण भाषा में समझे तो नलियां, ब्लड की कुछ नलियां होती हैं, ठीक है, जो एक मेन मशीन जिसको पंपिंग मशीन कह सकते हो आप, हार्ट, आपके लेफ्ट, मोस्टली लोगों के लेफ्ट साइड में होता है हार्ट, जो पंप का काम करता है। तो उसका काम क्या है, दो काम करता है हार्ट, एक इम्प्योर ब्लड यानी कि पूरी बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि जिसके अंदर, ब्लड के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है ज़्यादा मात्रा में, उस ब्लड को इकट्ठा करने का काम करता है, और उस ब्लड को वो लंग्स में भेजता है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन जो हम सांस अंदर लेते हैं वो ब्लड ले लेता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इसके अंदर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है। ये ब्लड हार्ट के माध्यम से, हार्ट बहुत प्रेशर के साथ पंप करता है, और पंप करने से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जाता है। तो ये इसको बोलते हैं आर्टरीज या धमनियां, ठीक है। तो ये क्या होती है, थोड़ी सी जो है टाइट होती हैं, ताकि प्रेशर जो है ना वो हो सके इसमें, इनकी जो दीवारें हैं वो मोटी होती हैं, थिकनेस ज़्यादा होती है, और वो पूरे बॉडी के अंदर आसानी से ब्लड जाता है। तो ये एक मैकेनिज्म। दूसरा जो मैकेनिज्म है वो होता है वेन्स, शिराएं जिनको बोलते हैं हिंदी में, वो क्या करती हैं, वो ब्लड को लेकर आती हैं हार्ट की तरफ। मैंने बोला था कि इम्प्योर ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, वो ब्लड वहाँ से पूरी बॉडी से कलेक्ट होता है, और पूरी बॉडी से कलेक्ट होकर हार्ट के अंदर आता है। लेकिन खास बात यह है कि जो हार्ट है वो वहाँ तो एक मशीन है जो पंप कर रही है, लेकिन जो पूरी बॉडी से जो ब्लड वापस आता है ना, उसके लिए कोई मशीन नहीं है। उसके लिए जो वेन्स होती हैं, और स्पेशली पैरों की जो वेन्स होती है, वेन तो पूरी बॉडी के अंदर है, लेकिन जो पैरों की जो वेन्स होती हैं मोस्टली, वहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वो वेन्स क्या होती हैं, जो एक प्रेशर हार्ट के द्वारा क्रिएट किया जाता है, हार्ट से पैदा होता है,
उसके बॉडी के पार्ट्स के अंदर, उसी के माध्यम से वो जो है ना इम्प्योर ब्लड क्या करेगा, वापिस हार्ट की तरफ आएगा। लेकिन अब आप देखिए कि वो जो इम्प्योर ब्लड आ रहा है ऊपर ऊपर आएगा, प्रेशर देने वाला कोई है नहीं तो वापिस चला जाएगा। उसके लिए एक मैकेनिज्म बना हुआ है, वो क्या है, वाल्व होते हैं कुछ, यानी कि आप यूं कह सकते हो वन वे का दरवाजा है। जैसे आपने कुछ भी खाना खाया अंदर चला गया तो यहाँ एक वाल्व लगा होता है, तो वो वापिस से खाना नहीं आता है, वहीं डाइजेशन होता है। उसी तरीके से जो वेन्स हैं उनके अंदर वाल्व लगे होते हैं, यानी कि एक बार ब्लड ऊपर चला गया, ठीक है, तो क्या होगा, वो वाल्व क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, यानी कि उस ब्लड को वापिस नहीं जाने देते, फिर वो और ऊपर जाएगा। तो जगह जगह जो है ना वो वाल्व बने होते हैं और उस तरीके से वेन्स के माध्यम से सारा ब्लड इकट्ठा होकर हमारे हार्ट में, क्योंकि पीछे से प्रेशर पड़ता जाएगा, हार्ट तो लगातार पंप कर रहा है तो प्रेशर पड़ता जाएगा, तो वो ऊपर चला गया, ऊपर चला गया तो फिर उसने क्या किया, वहीं रोक दिया, तो फिर इस तरीके से पीछे से जब प्रेशर पड़ेगा तो और ऊपर जाएगा। तो ऐसे करके इम्प्योर ब्लड हार्ट में आ गया, हार्ट से सीधा लंग्स में गया, वहाँ से प्योर होके वापिस आ गया। ये एक पूरा एक प्रोसेस है प्योर और इम्प्योर ब्लड का, ठीक है। तो ये एक ब्लड सर्कुलेशन हो गया। अब दिक्कत कहाँ आती है, कि दिक्कत तब आती है कि अगर किसी वजह से ये वाल्व जो है अगर ये खराब हो जाए, यानी कि जो ब्लड को ऊपर जाने से रोक रहे हैं, ऊपर जा रहा है नीचे जाने से रोक रहे हैं, अगर वो खराब हो गए, ढीले पड़ गए, तो ब्लड क्या होगा, वापिस चला जाएगा। तो जगह जगह के ऊपर जहाँ के वाल्व खराब होंगे ना, वहीं पर ब्लड क्या होगा, वापिस जाकर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और इकट्ठा होकर वहाँ पे ब्लू कलर, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज़्यादा है, तो वो ब्लू ब्लू कलर का जो है ना वहाँ पर वेन्स जो है ना वो दिखाई देने लग जाती हैं, और वो जो ब्लू कलर की वेन्स हैं जो एक मकड़ी के जाल की तरह हमें दिखाई देने लगती हैं, और कई बार तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, गुच्छे बन जाते हैं बड़े बड़े, ठीक है, उन वेन्स के, इसी को बोलते हैं वेरिकोज वेन। यही है वेरिकोज वेन का मतलब है कि जो वेन्स हैं उनके अंदर इम्प्योर ब्लड इकट्ठा हो गया, वो हार्ट की तरफ पहुंचा नहीं पा रही हैं, वहीं पर ब्लड इकट्ठा हो रहा है और वो वेन फूल जाती है फिर, ठीक है, फूल जाती हैं, ब्लड नहीं जा रहा है, तो अब क्या होगा, धीरे धीरे उनमें पेन होना शुरू हो जाता है। सर, जैसे आपने बताया कि वेरिकोज वेन्स क्या है, मैं जानना चाहूंगी कि क्यों होता है, इसके कॉजेज क्या है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कारण क्या है, क्यों हो रहा है ये वेरिकोज वेन, और किन कौन रिस्क फैक्टर हैं, किन लोगों को ज्यादा होता है। आपको पता है सबसे ज्यादा ये वेरिकोज वेन होता है लेडीज में, तो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि किचन में दो दो घंटे खड़ी रहती है हाउसवाइफ को, मैं कह रहा हूं कि आम बात है कि वेरिकोज वेन मिलेगा ही मिलेगा। वो जितना ज्यादा आप एक जगह के ऊपर अगर खड़े रहेंगे, ठीक है, तो ब्लड ऊपर जाने में दिक्कत आएगी, क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रही है। दूसरी बात, जिसका भी काम खड़े होने का ज्यादा, जैसे न्यूज एंकर है, कोई वो लंबे लंबे टाइम तक के लिए जो है ना खड़े रहते, या जिसका काम बैठने का काम है, ठीक है, जैसे टीचर्स हैं, टीचर्स को बहुत वेरिकोज वेन होता है, क्योंकि टीचर सारे दिन जो है ना खड़े रहते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उनको वेरिकोज वेन होता है। या जो कंप्यूटर के ऊपर बैठ के काम करते हैं सारे दिन, उनके पैर भी सुबह से लेकर 8-10 घंटे तो जो है ना वो रहते ही हैं, चलते हैं नहीं, तो उनको वेरिकोज वेन बहुत होता है। तो एक वेरिकोज वेन रिलेटेड होता है आपकी मूवमेंट से रिलेटेड, यानी कि वो लोग जो फिजिकली एक्टिव कम हैं, जिनके पैर कम चलते हैं, उनको वेरिकोज वेन होने की संभावना, समझ में। उसमें हाउसवाइफ भी आ गई, डॉक्टर, सर्जन को बहुत ज़्यादा होता है। देखो, सर्जन इनको ऑपरेशन कर रहे हैं और सर्जन को ही जो है ना बहुत ज़्यादा होता है वेरिकोज वेन, क्यों, क्योंकि लंबे लंबे टाइम तक उनको जो है ना सर्जरी करनी होती है, एक साथ कई कई सर्जरी होती हैं, तो वो खड़े होते हैं, तो उनको वेरिकोज वेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर आप, मैं जैसे न्यूज़ एंकर बताया, या कोई भी टीचर है, ये हैं, या बैठने का जिनका काम है, एक तो हो गया एक्टिविटी से रिलेटेड। कुछ लोगों को जैसे प्रेगनेंसी के दौरान, बहुत सारी लेडीज़ को जो है ना वो होता है, क्योंकि ब्लड का जो सारा जो फ्लो है वो नीचे पैरों की तरफ जाने की बजाय यूट्रस की तरफ ज़्यादा होता है,
तो पैरों में ब्लड है ना, क्योंकि जैसे जैसे बेबी बड़ा होता जाता है, ठीक है, तो पैरों की तरफ ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और उनको जो है क्योंकि बेबी को फीड न्यूट्रिशन देना है तो वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर फीमेल्स को प्रेगनेंसी के दौरान वेरिकोज वेन होता ही है। कुछ कंडीशन में बाद में ठीक भी हो जाता है, है लेकिन कई बार ठीक भी नहीं होता है। ओबेसिटी, मोटापा बहुत बहुत बड़ा कारण है। मैं गारंटी देता हूँ 90% जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं उनको वेरिकोज वेन लेडीज़ को तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जो लेडीज़ जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है उनको भी जो है वेरिकोज वेन होता है। वो लेडीज़ जो जो कंट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं जो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो उनको भी बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। हार्मोनल जिनको इम्बैलेंस है लेडीज़ को, उनको भी ज़्यादा चांस हैं वेरिकोज वेन होने के। ये जो है ना कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिनको ईजीली जो है ना वेरिकोज वेन होता है। वैसे ये किसी को भी हो सकता है, अगर कोई एक्टिविटी नहीं करता है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो किसी को भी हो सकता है। फिर दूसरा, खाना पीना अगर ठीक नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा बंदा रोज़ ही अनहेल्दी खाना खा रहा है तो भी जो है ना वेरिकोज वेन हो सकता है। कुछ अनसीन फैक्टर भी होते हैं, कोई एक्सीडेंट वगैरह है, कुछ डैमेज हो गया, तो वो भी कारण बन सकते हैं। सर मैं जानना चाहूँगी, जैसे आपने कॉजेज़ के बारे में बताया, मैं जानना चाहूँगी कोई भी आम व्यक्ति है उसे कैसे पता चलेगा, जैसे आपने कहा कि मोटी मोटी नसें जो है वो बाहर दिखने लग जाती हैं, इसके अलावा और क्या सिम्टम? तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको वेरिकोज वेन होने वाला है या हो चुका है? अगर कुछ सिम्टम्स देखेंगे, अगर पैरों में आपके बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, नीचे के घुटनों से नीचे के पैरों में पिंडलियों में बहुत दर्द हो रहा है, बार बार पैर सो जाते हैं आपके, या फिर कुछ धागे जैसी पतली पतली जो है ना आपको निशान दिखाई दे रहे हैं जो कि वेंस होती हैं वो नज़र आ रही हैं 1, 2, 4 ऐसे, तो वो आपका वेरिकोज वेन पता चल रहा है कि वेरिकोज वेन है। अब आता है कि बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत हो गई है तो आपको बड़े बड़े गुच्छे बन सकते हैं, या आपकी बहुत ज़्यादा मोटी मोटी जो है ना नसें दिखाई देने लग जाती हैं, साधारण भाषा में नसें बोल देते हैं, नसें दिखाई देने लग जाती हैं, और वो वेरिकोज वेन का एक मतलब सीधा सा एग्जांपल है कि वो दिखाई दे रही है। तो कई बार एक हो सकती है, दो हो सकती हैं, और कई बार गुच्छे हो सकते हैं, ये इससे पता चलता है कि वेरिकोज वेन हो गया है। सर मैं जानना चाहूँगी कि इसको नेचुरल रेमेडीज से या कहीं नेचुरोपैथी से कैसे ठीक किया जा सकता है, जिसको भी ये समस्या हो गई है वो उसे कैसे ठीक कर सकता है? एलोपैथी में वेरिकोज वेन का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है। आप कभी भी आप वेरिकोज वेन डॉक्टर को दिखाओगे, ठीक है ना, तो वो एक ही ट्रीटमेंट बताएगा, ऑपरेशन। वो क्या करते हैं, उसको जो है ना बाईपास कर देते हैं, कुछ वाल खोल वो ठीक कर देते हैं, मतलब इससे कोई स्टंट भी डाल देते हैं, कई बार जो बड़ी वेन होती हैं तो स्टंट भी डाल देते हैं। ऑपरेशन के अलावा कोई दूसरा इलाज नहीं है, लेकिन ऑपरेशन की कोई गारंटी नहीं है कि वेरिकोज वेन आपको फिर से होगा नहीं, क्योंकि आपने 1, 2, 3 मान लो ठीक करवा लिया और वेरिकोज वेन हो जाएगा और फैल जाएगा, क्योंकि टेंडेंसी हो चुकी है आपकी, तो आपको फैल सकता है और ज़्यादा हो सकता है, तो इसके अलावा तो कोई इलाज है नहीं। लेकिन हाँ, कुछ डॉक्टर जो है ना स्टार्टिंग में जब थोड़ी स्टेज ज़्यादा नहीं होती, कुछ स्टोकिंग वगैरह यूज़ करने के लिए देते हैं, जो टाइट जुराब होती हैं ऊपर तक, ठीक है ना, ताकि वो जो है ना टाइट होते हैं, वो ग्रेड होते हैं उनके, 1, 2, 3 ऐसे लेवल होते हैं, जैसे ग्रेड 1 है अगर तो कोई भी इजीली यूज कर सकता है, सेकंड ग्रेड की जो है ना आप किसी की डॉक्टर की सलाह से कर सकते हो, और जो थर्ड ग्रेड है वो सब यूज नहीं कर सकते, वो बहुत कुछ अलग ही वेन जो है ना डीप वेन थ्रोम्बोसिस वगैरह या कुछ और चीज़ें होती हैं वेन की बड़ी प्रॉब्लम, तभी यूज़ किया जाता है। वो क्या होते हैं, टाइट कर देती हैं, ठीक है, टाइट करने की वजह से थोड़ा सा ब्लड जो है ना ऊपर की तरफ वो हो जाता है, तो ये जो है ना एक, और इसके अलावा कोई भी एलोपैथी में ट्रीटमेंट नहीं है, इनिशियली ये ट्रीटमेंट है फिर ऑपरेशन है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें आयुर्वेद में पंचकर्मा में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है इसका, एक होती है लीच थेरेपी, ठीक है। लीच थेरेपी क्या होती है, जोंक जिसको बोलते हैं, वो लीच क्या होती है, जो इम्प्योर ब्लड होता है ना उसको जो है ना सक कर लेती है, ठीक है, तो वो पाली जाती हैं, वो डोमेस्टिक जो है ना लीच है वो ऐसे जंगली वो नहीं है, वो आयुर्वेद के जो जानकार हैं वो उनको पालते हैं,
उनको फीड कराते हैं और फिर वो क्या करते हैं, जहाँ से आपकी नस फूल रखी है ना, वहाँ पर जो है ना उस लीच को लगा देंगे और वो सारा ब्लड जो है ना चूस लेगी और फूल जाएगी। फिर उसको कुछ दिन के लिए उसका भोजन हो गया, ठीक है ना, अब उसको अगले दिन यूज नहीं कर सकते, कुछ दिन के लिए उसको छोड़ देंगे पानी में और फिर उसको जो है जब वो फिर से कुछ दिन के बाद तैयार हो जाएगी तो वो कर सकती है, नहीं तो दूसरी लीच जो है ना वो लगाई जाती है। तो ऐसे करके लीच जो थेरेपी है, ये कोई भी आयुर्वेदिक जो पंचकर्मा सेंटर होते हैं वहाँ पर सब जगह होती है, हमारे यहाँ भी होती है, ठीक है ना, तो वहाँ ये एक श्योर मतलब एक अच्छा तरीका आयुर्वेद में माना जाता है। लेकिन क्या होता है कि जब नसें बहुत ज़्यादा फूल गई हैं तब तो ये ठीक है, काम आ जाती है, लेकिन जब गुच्छे इतने ज़्यादा बन गए हैं तब लीच थेरेपी भी काम में नहीं आती है। तो मैंने देखा है कि इसके लिए कुछ जो थेरेपीज हैं पंचकर्मा की वो इसमें बहुत अच्छा काम करती हैं। हमने खुद है जैसे एक पत्रा पोटली होती है, ठीक है, एक हर्बल जो है ना जड़ी बूटियों की पोटली बनती है कपड़े में बांध के, उसमें बहुत सारी हर्ब्स होती हैं, एक मेडिकेटेड ऑयल जो है ना कढ़ाई में उबलता रहता है और उसमें उसको डिप करके उससे जो है ना मसाज की जाती है हल्के हल्के हाथों से, वो मैंने देखा है बहुत सारे लोगों की जो है ना पत्रा पोटली से ही ठीक हो गई है। फिर दूसरी जो है हल्का गर्म मेडिकेटेड ऑयल जो है ना उससे भी जो है ये क्या करके धारा जो होती है एक, ठीक है ना, तो उससे जो है धार बना के उसमें डाला जाता है। पिच्चू जो है ना एक पंचकर्मा की मतलब वो होती है, उससे भी होता है। तो सर जैसे आपने हमें बताया कि वेरिकोज वेन्स की समस्या को ठीक किया जा सकता है आयुर्वेदिक के तरीके से और नेचुरोपैथी के तरीके से, मैं जानना चाहूँगी कोई व्यक्ति जो इस दौरान हमारा शो देख रहा है वो कैसे इसको घर बैठे ही खान पान के माध्यम से कहें या नेचुरल रेमेडीज के माध्यम से कहें इसे ठीक कर सकता है? देखो अगर कोई भी सिर्फ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वेरिकोज वेन की नहीं है, तो वो घर में भी थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी डाइट, एक तो वेट नहीं बढ़ना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो यही है, अगर वेट बढ़ेगा तो वेरिकोज वेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरी बात डेली वॉक करना ज़रूरी है ताकि जो है ना थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहे तो वॉक करें। तीसरी चीज़ क्या है, रात को जब सोएं तो पैरों के नीचे जो है ना एक पिल्लो लगा लें, एक तकिया लगा लें ताकि थोड़ा सा पैर ऊपर रहें तो वो काफ़ी हेल्प कर देता है। बाकी थोड़ा सा जो है एक गुनगुना पानी एक बाल्टी में लेके तो उसमें पैर डिप करने से स्टार्टिंग में हेल्प मिल जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया है तो उससे हेल्प नहीं मिलती है, तो वो भी कर सकते हैं। मिट्टी का लेप लगा के भी हेल्प मिल सकती है थोड़ा सा, क्योंकि मिट्टी ठंडी होती है, तो ठंडी होती है तो वो थोड़ा सा जो है ना क्योंकि वहाँ पर जो वेन्स हैं उनको संकुचित करेगी तो ब्लड जो है ना ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये भी एक फ़ायदा मिल सकता है उससे। दूसरा कुछ योगासन जो हैं जिनमें पैरों को जो है ना ऊपर उठाने वाले जो भी आसन है, चाहे पाद उत्तानासन है या कोई और भी आसन है जिसमें पैरों को ऊपर उठाया जाता है, जैसे सर्वांगासन है, हलासन है, इनसे भी जो है काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। बाकी ओवरऑल जैसे अगर वो प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम से तो जो है ना वेरिकोज वेन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि प्राणायाम तो ऑटोमेटिकली जो है ना ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर बहुत काम करता है, तो उससे भी जो है ना वेरिकोज वेन घर में रह के ठीक किया जा सकता है। सलाह मैं यही दूंगा कि अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ज़्यादा है तो अपने किसी भी नियर बाई जो है डॉक्टर से जो है एक बार, एलोपैथिक डॉक्टर की बात नहीं कर रहा, उसको तो ऑपरेशन ही करना है, किसी भी आयुर्वेद के डॉक्टर से, और नेचुरोपैथी में कोई इसका बहुत बड़ा कोई इलाज है नहीं तो नेचुरोपैथी वाले के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आयुर्वेद के पंचकर्मा स्पेशलिस्ट के पास आप जाएं और वो आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट इसका दे सकते हैं। जी सर, मैं जानना चाहूँगी कि जैसे हमने जाना कि अगर किसी को हो जाता है तो कैसे ठीक कर सकते हैं, हाँ। मैं जानना चाहूँगी कि इसके प्रिकॉशंस क्या हैं, क्या क्या हम बचाव कर सकते हैं कि हमें ये समस्या हो ही ना। हाँ जी, बहुत बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि अगर हो ही ना ये प्रॉब्लम तो उसके लिए सबसे जो ज़रूरी है एक्टिविटी, कि आप अगर एक्टिव रहेंगे, डेली अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, वॉक करते हैं, तो वेरिकोज वेन होने के चांसेस
कम हो जाते हैं। और अगर आप रिस्क फैक्टर की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि आपका काम ही ऐसा है, तो आप क्या करें कि एक जगह लंबे टाइम तक खड़े होने के बजाय बीच बीच में थोड़ा सा मूव करते रहें, थोड़ा सा अपने पैरों को जो है ना रेस्ट देते रहें, या बीच बीच में पैरों को थोड़ा, जैसे ऑफिस में बैठे हैं तो टेबल के ऊपर रख लिया थोड़ी देर, वैसे काम कर लिया, या चेयर के ऊपर रख लिया। तो अगर ये छोटी छोटी चीज़ें अगर करेंगे तो जो है वेरिकोज वेन होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। बाकी अगर खाना पीना अगर आप ठीक रखते हैं, तो आपको पता ही है कि खाना जो है ना 50% तो काम खाने का ही रोल होता है कोई भी बीमारी में। अगर आपका खाना पीना हेल्दी है तो आपको ये प्रॉब्लम होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जी सर, जैसे खान पान की बात हम कर रहे हैं प्रिकॉशंस में, तो मैं जानना चाहूँगी खान पान में किस तरह बदलाव लिया जा सकता, जैसे कि बाहर का खाना नहीं खाना है ये आपने बताया, और क्या कुछ घर में खान पान कर सकते हैं? देखो कोई भी बीमारी है, कुछ भी है, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि बाहर का खाना नहीं खाना है, मैं कह रहा हूँ प्लान करके खाना है। आपका मैक्सिमम जो है ना 90% जो फूड है वो आपका अच्छा हेल्दी फूड होना चाहिए, लेकिन बीच बीच में आप बाहर का खा सकते हैं, बिल्कुल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, आपको और प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए हेल्दी खाना खाएं और 10-15% अनहेल्दी भी बीच बीच में कभी कभी खा सकते हैं। तो आपको अपनी डाइट में जो है ना, जैसे फ्रूट्स हैं, नियम बनाना होगा कि मुझे 2-3 फ्रूट्स लेने ही लेने हैं, 2-3 सैलड लेनी है, 2-3 नट्स लेने हैं, कोई ना कोई मुझे जूस या कोकोनट वाटर, वेजिटेबल जूस या फ्रूट जूस, एक जूस पीना ही है मुझे, मुझे डेली जो है ना दूध लेना ही लेना है, ठीक है, या कोई और दूसरे मिल्क प्रोडक्ट हैं जैसे दही है या पनीर है, ये मुझे लेने हैं, एक कटोरी मुझे दाल लेनी है। तो अगर आप ये थोड़ा सा अपना ये बना लें कि ये तो मुझे लेने हैं, उसके बाद जो चीज़ें हैं ना वो मैं अवॉइड करना चाहूँ तो अवॉइड भी कर सकता हूँ, कम मात्रा में ले सकता हूँ। बहुत ज़्यादा अनाज ना खाएं, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, अगर रोटी खानी है, चावल खाने हैं, तो दिन में 1 या 2 बार खाएं बस। ये ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का सिस्टम है ना, सबसे ज़्यादा अगर हमारे देश की अगर हेल्थ को ख़राब किया है ना, तो ये ब्रेकफास्ट लंच डिनर के सिस्टम ने किया है। 2 बार ही प्रॉपर खाना खाएं जिसमें अनाज हो, सब्जी हो, दाल हो, बाकी टाइम आप जो है ना फ्रूट सैलड नट्स और जूस ये चीज़ें लें, तो आप ऑटोमेटिकली जो है ना हेल्दी रहेंगे फिर। बिल्कुल सर, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े, हमें वेरिकोज वेन्स जैसी समस्या के बारे में जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमने आज के कार्यक्रम में जाना कि अगर आपको वेरिकोज वेन्स की समस्या हो जाती है तो इसका कारण क्या है, साथ ही साथ इसके सिम्टम्स क्या है, और कैसे नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक के महत्व इसके कारण हम इसको ठीक कर सकते हैं। साथ ही सर ने हमें बताया कि अगर हमें ऐसी बीमारी, हम चाहते हैं कि हमें वेरिकोज वेन्स जैसी समस्या ना हो, तो हम क्या प्रिकॉशंस भी ले सकते हैं। इस कार्यक्रम के लिए इतना ही, बने रहिए PMC हिंदी के साथ। साथ ही दर्शकों, अगर आप हमारा ये कार्यक्रम TV पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर YouTube पर देख रहे हैं तो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी जरूर फॉलो करें। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जी।